आज़ादी है। मैं कहूँगा भारतवासियों के लिए खुशी का मुकाम है, जश्न मना रहे हैं और भगवान से शुक्रिया भगवान का अदा करते हैं कि पिछले साल भी जब हमने ये शपथ ली थी, यहाँ आए थे, एकत्रित हुए थे, आज हम फिर यहाँ जमा हुए हैं, एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। मैं अभी प्रोग्राम का आगाज करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपसे निवेदन करूँगा कि आप दाएँ बाएँ अपने जो बैठे हुए हैं उनको बड़े प्यार से देखिए, बड़े इज्जत से देखिए, क्योंकि काल हो ना भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें मौका दे ऐसे समारोह में शामिल होने का, और जो हमारे यहाँ एकत्रित हुए हैं उनकी संतुष्टि। कि हमें दीप को प्रज्वलित करना है, हमारा कोई भी कार्यक्रम हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, घर में हो, मंदिर में हो, लेकिन दीप प्रज्वलित करने से ही हम उसका शुभ आरंभ करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह ये दीप का प्रकाश इस वक्त हम प्रकाशित कर रहे हैं, उसी तरह हमारी सबों की जिंदगी भी प्रकाशमय हो। मातृशक्ति जो भी है,
उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि खासकर जो हमारे जन्मदिन पे दीप बुझाने की प्रथा शुरू हुई है उसको बंद करें, क्योंकि ये जो इस वक्त समाज में हम प्रेरित किया है शायद उसका भी उसमें योगदान, हम को दीप प्रज्वलित करना है, दीप ये प्रकाश सारी दुनिया में फैल जाता है। जिनको मैं आज भी यहाँ एक माँ के रूप में ही देखता हूँ, ऑलवेज राइट फ्रॉम टीम शी सपोर्टिंग एवरी वॉलंटियर्स, शी इज अ गेस्ट ऑफ ऑनर टुडे, शी इज एक्स रेक्टर जम्मू यूनिवर्सिटी, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर उन्होंने अपने पूरे जो इनका वर्किंग जितना भी टेन्योर रहा है बहुत बढ़िया काम किया है पूरे भारत वर्ष के लिए, कई संस्थानों से जुड़ी है, जहाँ मैं जाता हूँ जहाँ पे अच्छे काम होते हैं वहाँ डॉक्टर मीनाक्षी मंदिर का नाम होता है। सो हमारा सौभाग्य आज हमारे बीच में आ गया, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में आज डॉक्टर समिता भट्ट मैम है, इनसे शी इज गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट कंसल्टेंट, ए ग्रेट लेडी, ए ग्रेट सपोर्टर ऑफ आवर कम्युनिटी, बहुत ज्यादा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स एवरी टाइम व्हेनेवर वी कॉल हर, शी इज जस्ट अ वंडरफुल पर्सन, थैंक यू सो मच, वेलकम मैम, थैंक्स अ लॉट। हमारे बीच में मतलब ये मुझे लगता है माता रघुवनी का आशीर्वाद साक्षात लेके हमारे बीच में आज लता मंगेशकर जी खुद आई है, कैलाश मेहरा साहब जी, और इन्होंने आज आते ही शी वाज द फर्स्ट गेस्ट टुडे जो बिफोर 15 मिनट यहाँ पर आ गया, इन्होंने मुझे आते ही बोला अगर मैं आपको ना करती आज के कार्यक्रम के लिए तो मैं कहीं उनके साथ अच्छा नहीं करती, क्योंकि आपकी वजह से कहीं जाने बजती है आपको ना कभी नहीं कर पाऊंगी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इनके साथ ही इनके हस्बैंड है साधु साहब जो पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हैं, वेलकम यू सर। हमारे बीच में डिप्टी कमिश्नर रिलीफ है श्री विजय शर्मा जी, सर वी वेलकम यू सर ऑन बिहाफ ऑफ टीटी वॉलंटियर्स। डॉक्टर अग्निशेखर जी हमारे बीच में है, एक बुलंद आवाज हमारे समाज की, आपका आशीर्वाद हमेशा हमें चाहिए भी। मैडम डॉक्टर कमाल मैम, कल शाम को ही मैंने आपको कॉल किया और आप शॉर्ट टाइम में यहाँ पर आ गए, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। हमारे बीच में रवि दर्ज यहाँ पर है, माता खीर भवानी जो वहाँ का ट्रस्ट है उनका प्रेसिडेंट है, सर वेरी वेलकम यू सर। आई एम सॉरी अरुण भवानी माता जी सारे के लिए, सो अरुण भवानी ट्रस्ट के प्रेसिडेंट है रवि दर्ज, सर वेरी वेलकम यू। रॉकी पंडिता जी एक बड़ा नाम हमारे समाज में, गुरु दर्शन की बात सुन अशोक कंगन जी हमारे, जो मैंने बोला कि गुरु जी ऐसा था मेरे स्काई में बसते थे तो इसलिए मेरे पहले कोई गलती होगी तो माफ करना, तो एक बेच बच्चे की था आपके लिए और क्लास में ना मिला जिससे मैं बात करना चाहूंगा और गुरु जी से थैंक यू, तो ये कि आपके लिए
इंडिपेंडेंस डे सभी देशवासियों को और ख़ासतौर पर कश्मीरी पंडित समाज को आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ 17th इंडिपेंडेंस डे की। और मैं माता रानी से सभी दुआ करता हूं कि इस ओकेजन पे सभी देशवासी और हमारा समाज सुखी रहे, खुश रहे, आबाद रहे, देश और मजबूत हो और आबाद रहे। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन कश्मीरी पंडित वॉलंटियर्स। नाम कश्मीरी पंडित रखा है इसका, लेकिन काम पूरे समुदायों के लिए करती है। पिछले करीबन 4 साल से हम समाज सेवा में जुड़े हैं, जब से कोरोना की महामारी पूरे भारतवर्ष में थी, तब से हम कई परिवारों को सहायता दे रहे हैं, कई पेशेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, इमरजेंसी केसेस, ब्लड डोनेशंस करीबन 1900 हमने आज तक की है इन ऑल इमरजेंसीज। तो स्वतंत्रता दिवस भी एक जश्न के रूप में हम हर साल मनाते हैं। हम आयोजित बहुत बड़ा एक कार्यक्रम करते हैं पूरे समाज के लिए, जहां पर हमारा एक कम्युनिटी का एक गेट टुगेदर हो, क्योंकि भारतवर्ष के गौरव सम्मान का बात होती है। तो केपी वॉलंटियर्स इस बार 5वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है जम्मू में। यहाँ पर हमारे आज रिलीफ कमिश्नर साहब कारवानी साहब चीफ गेस्ट है, डॉक्टर मीनाक्षी कैलम जी गेस्ट ऑफ ऑनर, डॉक्टर समिता भट्ट मैम गेस्ट ऑफ ऑनर है। तो मैं सब देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की फिर से एक बार बधाई देता हूँ और सबसे अनुग्रह करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि स्वयं सेवकों को हमेशा मनोबल बढ़ाएं। हार्दिक बधाई। सबसे बड़ी बात यह है संकल्प, समर्पण और सेवक सेवा भाव में जो भी हमारे वीर सैनिक, उनको भी भावभीनी श्रद्धांजलि, इस दिवस पर उनको भी श्रद्धांजलि।